बसंत पंचमी का महत्व एवं कथा। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित करता है। इस ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के पांचवें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है, जिससे ये बसंत पंचमी का पर्व कहलाता है। बसंत पंचमी का संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसी दिन भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए सबरी की कुटिया में पहुँचे थे। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। बसंत पंचमी एक हिंदू त्यौहार है जो आमतौर पर फरवरी में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान संगीत और शिक्षा की देवी है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। ये त्यौहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी जीवन में नई चीज़ें शुरू करने का एक शुभ दिन है। बहुत से लोग इस दिन गृह प्रवेश के दिन नए घर में प्रवेश करते हैं, तो कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं या महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करते हैं। इस त्यौहार को अक्सर समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। बसंत पंचमी के साथ ये माना जाता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जो फसलों की कटाई के लिए एक अच्छा समय है। कड़ाके की ठंड के बाद इस त्यौहार को वसंत का पहला दिन फसल काटने का समय माना जाता है। क्योंकि भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए ये समझ में आता है कि ये त्यौहार भारतीयों के दिलों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या बुद्धि कला ज्ञान का वरदान माना जाता है, इसलिए लोगों को इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड की निर्माण किया था। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्होंने चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही ना हो। ये सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी। भगवान ब्रह्मा ने उनसे कुछ बजाने का अनुरोध किया ताकि पृथ्वी पर सब कुछ शांत ना हो। परिणाम स्वरूप देवी ने कुछ संगीत बजाना शुरू कर दिया। तभी से उस देवी को वाणी और ज्ञान की देवी, देवी सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें वीणा वादिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने वाणी, बुद्धि, बल और तेज प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपनी दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल अल्फाज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें।
मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।